आज तो देश भर में सभी हनुमान जयंती का त्यौहार मना रहे हैं। वैसे आपको पता है टीवी की दुनिया में भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो ऐसे में आज हनुमान जयंती के दिन हमारे सितारे टीवी की दुनिया के बॉयज ये स्टार्स कैसे मना रहे हैं हनुमान जयंती का ये त्यौहार, देखिए। मौका है हनुमान जयंती का, इसलिए टीवी के सभी बेटे कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना। क्या छोटे क्या बड़े, सब आज संकट मोचन की आराधना करना चाहते हैं। और इस वक्त कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते संकट मोचन को सभी याद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन कौन वो सितारे हैं जो मना रहे हैं लॉकडाउन के दिनों में अपने घर पर ही हनुमान जयंती। सबसे पहले चलते हैं सिद्धार्थ निगम यानी हमारे अलादीन के घर पे, जो अपनी फैमिली के साथ हनुमान जी की पूजा में लगे हैं। भाई हनुमान जयंती का मौका है लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए घर पर ही हनुमान जी को याद कीजिए जो इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ देंगे। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ निगम। मैं हूं अभिषेक निगम। और हम दोनों आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी आप सबको सारे संकटों से मुक्त करेंगे और हमेशा आपके परिवार को और आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से हम इस महामारी से पीछा छुड़ाएँ, जल्दी से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और सब ठीक हो जाए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वो है घर पर रहना। आप घर पर रहेंगे तो ही आप सुरक्षित हैं। तो स्टे एट योर होम और ये प्रार्थना करिए कि जल्दी से कोरोना वायरस ठीक हो जाए। बोलो बजरंग बली की जय। इसके बाद बारी थी अंगद हतीजा के घर पर जाने की। अंगद हनुमान भक्त है, हर साल मंदिर जाते हैं लेकिन इस बार अपने घर पर ही अपने मंदिर में उन्होंने हनुमान की पूजा की और हनुमान जयंती को संपन्न किया। वो हम सबके कष्ट हरे, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में आई हुई हैं, हमारे वर्ल्ड में आई हुई हैं, वो इस हनुमान जयंती पे वो सब कष्ट हमारे हरे। आज हनुमान जयंती है और मैं घर पे हूँ। जिस तरह से सब लोग घर पे बैठे हुए हैं तो मेरा आपको सबको यही कहना है कि हनुमान जयंती है, आप घर पे मनाइए, बजरंग बली जी की पूजा घर पे कीजिए जिस तरह से मैंने की है। और प्लीज़ अब सब अपने घरों में रहिए। अब चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लव और कुश के घर पर। ये है जुड़वा भाई अपूर्व और अनमोल ज्योति, जो आज अपने हनुमान जी को याद कर रहे हैं। अच्छा लव, सुनना, तुझे पता है हनुमान जी ने हमें बड़ी अच्छी सीख दी। तो काफी सारी सीख दी है, तू कौन सी वाली की बात कर? अरे वही वाली, बिना छुए उन्होंने पूरी लंका चला दी। कुछ हमें भी यही करना है। कैसे हनुमान जी ने बिना छुए पूरी लंका जला दी? हमें भी वही करना है, बिना छुए जो कोरोना वायरस है इसे जड़ से मिटाना है। कर रहे राइट? हम ना बिना कुछ किए ना बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, स्टे सेल्फ आइसोलेटेड, स्टे क्लीन, स्टे सैनिटाइज्ड एंड स्टे एट होम। अब चलते हैं विशाल सिंह के घर पे, जो अपने परिवार यानी मम्मी पापा और भाई के साथ देखिए हनुमान जयंती की पूजा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा हमने पढ़ा और बजरंग बली से यही मांगा कि ये जो कोरोना वायरस है या कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में है, सब चली जाए, सब खुश रहें, सब अपने परिवार के साथ रहें और आप सब भी खुश रहिए, घर पर रहिए और इन सारे नियमों का पालन कीजिए, बिकॉज ये आपकी अच्छाई के लिए हैं, है ना? और जैसे संकट मोचन ने श्री रामचंद्र जी के संकट दूर किए, वैसे हम सब लोगों के सारी दुनिया के संकट दूर करें। बोल संकट मोचन की जय। अब चलते हैं टीवी पर हनुमान का किरदार निभाने वाले निर्भय के घर पर, जिन्होंने आज हनुमान जयंती के मौके पर घर पर खास पूजा की। दोस्तों, मैं निर्भय वधवा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मैं हनुमान जी बनता था तो मुझे कैसी फीलिंग आती थी। और सच बताऊँ तो बिल्कुल हनुमान जी ही जैसी फीलिंग आती थी, क्योंकि वहाँ का सेट इतना लार्जर देन लाइफ था, वैसे कपड़े जो कॉस्ट्यूम इतने कमाल के थे, गदा, तो ऐसा लगता था सच में कि जैसे मैं हनुमान जी ही हूँ।
और आज जो है हनुमान जयंती का पावन अवसर है, तो मैं आप सब दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे हनुमान जी की पूजा करता हूँ और कैसे रहता हूँ। चलिए निर्भय के जीवन में हनुमान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस किरदार ने उन्हें वो नाम और यश दिया। इसलिए हनुमान जयंती का दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन होता है। अब चलते हैं पारस मदान के घर पर। भाई इन्होंने तो आज अपने घर पर ही हनुमान जयंती की क्या की तैयारी की है। भाई मंदिर न जाएं, घर पर ही इस अंदाज में हनुमान जी को याद करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और इस संकट से सबको दूर करने की प्रार्थना करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और मैं चाहता हूं कि इस बार हमें हनुमान जी इस कोरोना जैसे संकट से बाहर निकाले। आप सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। जय बजरंगबली। इसके बाद बारी थी बिंदु दारा सिंह से मिलने की, जिनके पिता दारा सिंह ने सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था और बिंदु दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त। तो जरा सुने उनकी हनुमान जयंती की कहानी। हनुमान जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रे करते हैं कि हनुमान जी इस COVID-19 से हम सबको बचाएं और इस बार हनुमान जयंती हम अपने अपने घरों में मनाएंगे, यहीं पूजा पाठ करेंगे। जो लोग यानी भोजन नहीं खाएंगे, हनुमान भक्त, बाकी सब बस हनुमान जी से ये प्रे करें कि हमारे देश को इस संकट से बहुत जल्द से जल्द बाहर निकालें और हनुमान चालीसा सुनते रहें। जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो काहे को डरना। जय श्री राम। वैसे सबने इस मौके पर हनुमान जी को याद किया और अपना अपना संदेश भेजा। मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर के देखिए, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। आप सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज इस मुश्किल घड़ी में आप और हम अपने घर पे रह के पूजा अर्चना कर लें, वहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ लें तो हनुमान जी भी मानेंगे कि हाजिरी लग गई है। बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब तक आप और हम एक साथ मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक जीत नहीं पाएंगे। कुछ दिन और सही, वक्त ये भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। अनिरुद्ध दवे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।